नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल जीएस शेखावत जीके हिंदी हिस्ट्री के माध्यम से आज एक और हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है वाच्य। दोस्तों, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। इसकी परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि इसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, वाच्य कहलाता है। अर्थात वाक्य में आई क्रिया इन तीनों में से किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, क्रिया का रूप किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारक हैं वो वाच्य कहलाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों वाच्य मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिवाच्य और अकृत्रिवाच्य। किंतु वाच्य तीन प्रकार के इस प्रकार माने जाते हैं, कृत्रिवाच्य अकेला है और अकृत्रिवाच्य के दो रूप हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इस प्रकार वाक्य तीन प्रकार के माने जाते हैं। तो इनमें से ही प्रश्न आते हैं और इनके ही आपको उत्तर देने होते हैं। अब क्रिया का प्रयोग किस प्रकार होता है यह बता देता हूं दोस्तों। कृत्रिवाच्य है उसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है और भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो दोस्तों एक बात क्लियर हो गई कि कृत्रिवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाओं का प्रयोग सिर्फ इसमें ही होता है, कर्म में सकर्मक और भाव में अकर्मक। तो दोस्तों वाच्य समझने के लिए सबसे पहले हमें कर्ता, कर्म व क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम यही सीखते हैं। मित्रों सबसे पहले जानते हैं क्रिया क्या होती है। वाक्य में किसी कार्य का होना या करना जहां पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। आपको यह पता लगाना है कि क्या काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वही क्रिया है। हिंदी में क्रिया प्राय वाक्य के अंत में मिलती है और जो काम हो रहा है वही क्रिया है। अब उदाहरण देखिए, रोहन रो रहा है, तो ये रोना, रो रहा है क्रिया है, अंत में है। भारत क्रिकेट खेल रहा है, तो खेल रहा यहां क्रिया है। देखो ये वाक्य के अंत में भी। अब दोस्तों जान लेते हैं क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया कर्म सहित होती है, जैसे कर्म के साथ सह परिवार बोलते हैं ना, वैसे ही सह परिवार यानी परिवार के साथ। तो सकर्मक यानी कर्म के साथ, अकर्मक यानी कर्म के बिना, सह साथ ए के बिना। तो ठीक है, तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है। अब प्रश्न यह है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इसका पता कैसे लगाए। तो पहले तो ये जान लो कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म है। तो जो कार्य हो रहा है वह क्रिया है और जिस पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वह कर्म है। तो कर्म वाक्य में यदि कर्म है तो क्रिया सकर्मक होगी, यदि नहीं है तो अकर्मक होगी। उदाहरण देखते हैं, पराक्रम पुस्तक पढ़ता है, यहां पढ़ता है क्रिया है। क्या से प्रश्न करेंगे, क्या पढ़ता है, पुस्तक, अर्थात पढ़ने का प्रभाव कर्म पुस्तक पे पड़ता है, इसमें कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा देखिए, पराक्रम पढ़ता है, इसी को हम करेंगे तो यहां कर्म नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि वह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लोकेश हंस रहा है, हंसना, हंस रहा है ये क्रिया है। अब यहां इस क्रिया का प्रभाव लोकेश पे पड़ रहा है, कर्ता पर भी पड़ रहा है, तो यहां कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। दोस्तों इसका सरल सूत्र है, सबसे पहले क्रिया छांटो, फिर इस क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करो। यदि प्रश्न बने और उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक होगी। देखिए, राम अखबार पढ़ता है क्रिया है। यहां इसके पूर्व क्या लगाकर देखो, क्या पढ़ता है, उत्तर आएगा अखबार पढ़ता है, तो प्रश्न भी अच्छा बना और उत्तर भी अच्छा आ गया, तो यह है सकर्मक क्रिया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उत्तर नहीं आया, तो यह अकर्मक क्रिया है। क्रिया और कर्म हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए कर्ता क्या होता है। क्रिया अर्थात काम को करने वाला कर्ता होता है। उदाहरण देखिए, चंदन कबड्डी खेलता है, यह कबड्डी खेलने की क्रिया कौन कर रहा है, चंदन, तो खेलता है क्रिया को करने वाला चंदन है, तो चंदन करता है। दूसरा उदाहरण देखिए, सलमा जाती है, तो ये जाती है क्रिया को करने वाली कौन है, सलमा, तो सलमा यहां कौन हो गई, कर्ता। पहचानिए, अब आप पहचानिए, हरीश आम खाता है, तो इसमें खाता है क्रिया है, आम है ये कर्म है, दोनों आप पढ़ चुके हैं। अभी आम को खाता कौन है, अर्थात कर्ता कौन है, हरीश इसमें करता है। ऐसे उदाहरण और देखिए, मोहन व सुरेश रसगुल्ले खाते हैं, क्रिया है,
रसगुल्ले इसमें कर्म है, क्या खाते हैं? रसगुल्ले खाते हैं, कर्म है। अब करता कौन है, रसगुल्ले खा कौन रहे हैं? मोहन व सुरेश। तो इस तरीके से मोहन व सुरेश इसमें करता है। अब दोस्तों हम वाच्य सीखते हैं, हम इसके लिए जरूरी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो सबसे पहले कृतृवाच्य, तो कृतृवाच्य क्या है? जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो उसे कृतृवाच्य कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, सीता टेनिस खेलती है, सुरेश खेल रहा है, गीता बाजार गई है। अब देखिए यहां मैं के साथ हूं, खाता हूं का प्रयोग हुआ, आई एम, मैं के साथ हूं का प्रयोग हुआ है। और वह खाना, यहां वह होता तो यह करता है, मैं खाना खाने क्रिया कौन कर रहा है, मैं, तो इसके साथ हूं का प्रयोग हुआ है। और यहां लिंग भी खाता है नहीं, सीता टेनिस खेलती है, यहां सीता स्त्रीलिंग है तो यहां खेलती क्रिया आएगी। अगर राम टेनिस खेलता है तो क्रिया भी वहां पुल्लिंग हो जाती है। सुरेश खेल रहा है तो सुरेश खेलने की क्रिया कर रहा है सुरेश, तो सुरेश के अनुसार ये क्रिया कर्म प्रयुक्त हुआ है। गीता बाजार गई है, गीता बाजार गई है, अगर राम होता तो राम बाजार गया है, यहां गया है शब्द प्रयुक्त होता। इस तरीके से खाता हूं, खेलती है, खेल रहा है, गई है, क्रियाओं का प्रयोग अपने अपने करता, जैसे मैं, सीता, सुरेश, गीता के, इनके लिंग पुरुष और वचन के अनुसार ही हुआ है। और कृतृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों का क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब देखते हैं कर्मवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग उसके कर्म के लिंग वचन वह पुरुष के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और दोस्तों बात ध्यान रखिए, कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। अब देखिए उदाहरण है, सदानंद के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो सदानंद, अब पढ़ी जाती है क्रिया है, और कर्म क्या है इसमें, पुस्तक, क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक, तो कर्म आ गया इसमें, तो यहां फिर क्या होगा, पुस्तक के अनुसार ही कर्म आएगा, कर्म के अनुसार ही लिंग वचन पढ़े जाएंगे। यहां सदानंद के अनुसार नहीं, सदानंद पुस्तक पढ़ता है ऐसा आता, इस कर्ता के अनुसार आता, तो लेकिन यहां क्या है, कर्म के अनुसार आएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक स्त्रीलिंग, पढ़ी जाती यह स्त्रीलिंग, तो आप समझ गए होंगे। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, यदि कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा लगा हो तो सकर, और सकर्म क्रिया साथ में हो तो कर्मवाच्य ही होगा। अब देखिए एक उदाहरण और देख लीजिए, नवीन से आम खाया जाता है, नवीन, यहां देखिए खाया जाना क्रिया है और आम इसमें कर्म है, क्या खाया जाता है, आम, तो और फिर से भी लगा हुआ है, दोनों चीजें आ गई, ये लगा हो और फिर सकर्म क्रिया हो तो पक्का कर्मवाच्य ही होगा, तो यहां कर्मवाच्य है। अब दूसरा देखिए, यही नवीन से खाया जाता है, अब यहां प्रश्न कीजिए क्या खाया जाता है, यहां उत्तर नहीं मिलता, क्या खाया जाता है उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, तो यही वाक्य भाववाच्य कहलाएगा, क्योंकि यहां अकर्म क्रिया है, नवीन से आम खाया जाता है तो कर्मवाच्य है, नवीन से खाया जाता है तो भाववाच्य, इन दोनों में से जो कर्ता के साथ लगा है और से कर, जो कर्ता के साथ लगा है और कर्म को पहचान कर आप दोनों का अंतर पता कर सकते हैं, से दोनों में लगा है लेकिन इसमें कर्म है इसलिए कर्मवाच्य, इसमें कर्म नहीं है तो भाववाच्य। अब दोस्तों करते हैं भाववाच्य की बात, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है उन्हें भाववाच्य कहते हैं। और दोस्तों साथ साथ बात, भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, कर्मवाच्य में सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक। अब देखिए राम से हंसा जाता है, इसमें कर्म नहीं है, हंसा जाता है ये सब क्रियाएं हैं, से लगा हुआ है कर्मवाच्य में भी, लेकिन उसमें कर्म है इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं, क्या हंसा जाता है, क्या से प्रश्न करें, नहीं तो प्रश्न बनता है, नहीं कोई उत्तर आता है, तो यहां कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक क्रिया है, इसमें क्रिया ही क्रिया, इस क्रिया, इसमें क्रिया की ही प्रधानता होती है, क्रियाओं में भाव की ही प्रधानता होती है। अब देखिए कई लोग कहते हैं इसमें नकारात्मक वाक्य ही होते हैं, जैसे राम से हंसा नहीं जाता, दोस्तों ये सही नहीं है, इसमें सकारात्मक भी बन सकता है और नकारात्मक भी, देखो ये भी भाववाच्य है, राम से हंसा जाता है भाववाच्य है, राम से हंसा नहीं जाता ये भी भाववाच्य, मुझसे अब दौड़ा नहीं जाता ये भी भाववाच्य, दौड़ा नहीं जाता असक्यता का भाव आ गया, तो इसकी पहचान क्या है दोस्तों, प्राय असमर्थता, विवशता या अशक्यता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ भाववाच्य का प्रयोग होता है,
देखो मुझसे अब दौड़ा नहीं जाता, नहीं के साथ इसका प्रयोग होता प्राय। लेकिन दोस्तों ये हमेशा ऐसा नहीं होता। यहां हो रहा है संगीता से गाया नहीं जाता, नहीं के साथ इसका प्रयोग हो रहा है लेकिन हमेशा नहीं होता। राम से हंसा जाता है, यहां नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं है और यहां है राम से हंसा नहीं जाता। दूसरी बात, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। तीसरी बात, नहीं का प्रयोग न करने पर, जैसे दौड़ा नहीं जाता ऐसा, वहां पे अगर नहीं का प्रयोग नहीं हो तो जो मूल कर्ता होता है वो सर्वसाधारण जनसामान्य यानी आम आदमी होता है। जैसे उदाहरण, फिर कभी देखा जाएगा। भाववाच्य में क्रिया स्वयं प्रधान होती है, क्रिया ही स्वयं प्रधान होती है, कर्म और कर्ता प्रधान नहीं होती। क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है, सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया के रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भाववाच्य को पहचान पाएंगे। अब दोस्तों कर्मवाच्य का स्थान किन स्थानों पर होना चाहिए इसको देख लेते हैं। पहली बात, जहां कर्ता कोई स्वतंत्र व्यक्ति न होकर किसी व्यवस्था संस्था या तंत्र का प्रतिनिधि हो, जिस प्रकार जेडीए द्वारा पट्टे जारी किए गए, सोसाइटी द्वारा पट्टे वितरित किए गए, यह संस्था हो गई जयपुर विकास प्राधिकरण, जहां विज्ञप्ति या सूचना दी जाती है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपको सूचना दी जाती है कि आगे जो कोई सूचना दी गई हो वो, जहां कर्ता के बारे में आपको निश्चित रूप से पता न हो या किसी कारणवश आप उसका उल्लेख नहीं करना चाहें, वहां कुछ विशेष भाव व्यक्त करने में, जैसे वाक्य में कर्ता न हो, जैसे सभी काम किए जा रहे हैं इसमें कोई कर्ता नहीं, वाह रे धर्म पानी के अकाल में पानी से होली खेली जा रही है, आदेश सुनाने में थाने के सभी सिपाही हाजिर हों, बादशाह सलामत पधार रहे हैं, सूचना भी दे दी इसमें, और इसका मतलब ये भी हो गया कि सभी सावधान हो जाएंगे, इस केस के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाता है, सूचित करने में, अब देखो सूचना दी जा रही है, गुर्जर समाज के आरक्षण के विषय में विधानसभा विचार कर रही है, अखबार में सूचना दे दी गई, सभी मैदान में एकत्रित हो जाए, कोई अनुरोध करना हो, आग्रह करना हो, कृपया छात्र को विद्यालय से नहीं निकाला जाए, कुछ तो दया की जाए, लाचारिया अशक्तता दिखाने में, अब तो गाड़ी नहीं पकड़ी जा सकेगी, ऐसे अंधेरे में कैसे बाहर जाएं। तो दोस्तों अभी ये सारी जानकारी हो गई है, अब हम कर्ता कर्म क्रिया उनके बारे में जान चुके हैं और भाव और कर्मवाच्य कृतवाच्य के बारे में भी जान चुके हैं। अब ये वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, सबसे पहले हमें कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा लगाएं, ये काम करना चाहिए। क्रिया का रूप परिवर्तित होगा, उसका काल परिवर्तित नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। उदाहरण देखिए, सुनीता रियाज करती है अभ्यास, सुनीता अभ्यास करती है, ये कृतवाच्य है। अब इसमें सबसे पहले कर्ता के आगे द्वारा जोड़ देते हैं, सुनीता द्वारा रियाज, अब क्रिया का रूप बदल देते हैं, किया जाता है। अब इसको हम किया जा रहा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ती है तो यहां भी ता आना चाहिए, ता है ती है, इसी प्रकार से इसी का उसी काल का रूप आना चाहिए, सुनीता द्वारा रियाज किया जाता है। गायक गीतों को सुर देते हैं, कृतवाच्य है इसमें कर्म, देते हैं क्या देते हैं, सुर देते हैं, और गायक है कर्ता है, कर्ता के आगे हम जोड़ देंगे द्वारा, तो गायकों द्वारा, यहां बहुवचन है ना गायक, तो यहां भी गायकों, गायक का गायकों हो जाएगा, गायकों द्वारा गीतों को सुर दिया जाता है, देते हैं दिया जाता है, ये रूप बदल जाएगा। हरीश अखबार पढ़ता है, कृतवाच्य है, तो हरीश के द्वारा, इसके आगे हम क्या जोड़ देंगे, हरीश के आगे जोड़ देंगे हम के द्वारा, हरीश के द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है, यहां रहा है तो यहां भी रहा आएगा, जा रहा है। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम, आप यहां से लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हरीश से अखबार पढ़ा जा रहा है, एक ही बात है, हरीश द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है, हरीश के द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है, एक ही बात है। अब बात करते हैं कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना, अब कैसे बनाना, इसमें हमने से के द्वारा या द्वारा लगाया था, हमें यहां क्या करना है, से के द्वारा या द्वारा को हटा देना है।
अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, तो हमें द्वारा हटा देना है। अध्यापक कक्षा में, यहां पढ़ाया जा रहा है क्रिया चल रही है, पढ़ा रहा है यह कर देना है। ऐसे की ऐसी क्रिया, वही क्रिया का काल वही आएगा। किसानों द्वारा खेतों में खाद डाली जाती है, तो यहां द्वारा हटाइए, यहां किसानों ये बहुवचन है तो यहां है लगा दिया, ये बहुवचन है। किसान खेतों में खाद डालते हैं, द्वारा हटा दिया, ये किसान शब्द लग, वाक्य रचना तो अपने को सही रखनी है ना। किसान खेतों में खाद डालते हैं, ये बहुवचन हो गया। हैरी से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये से है, इससे ये कर्मवाच्य हो गया। अब हैरी पुस्तक पढ़ता है, ती है, ता है, ये हैरी के अनुसार आएगा, पढ़ता है। यहां क्योंकि कर्मवाच्य है तो पुस्तक पर, पुस्तक कर्म है, इसके अनुसार क्रिया आई है, पुस्तक पढ़ी, ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार आई, ये हैरी के अनुसार आएगा, हैरी पुस्तक पढ़ता है। तो हमें क्रिया को अगर कृतवाच्य बनाना है तो कर्ता के अनुसार उसका क्रिया का लिंग बदल देना है, और कर्मवाच्य बनाना है तो कर्म के अनुसार उसका लिंग बदल देना है। से द्वारा द्वारा हटा देंगे तो काल परिवर्तन नहीं होगा। ता ती ते हो तो परिवर्तित रूप में भी लगेगा, रहा रही रहे हैं तो परिवर्तित करते समय ध्यान रखिए। और उदाहरण देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक के अनुसार लिंग बदल गया, पुस्तक स्त्रीलिंग पढ़ी जाती है। रमेश टीवी देख रहा है, तो रमेश के अनुसार लिंग वचन है। अब रमेश द्वारा टीवी देखा जा रहा है, टीवी भी पुल्लिंग है, तो द्वारा लगा दिया अपन ने, रमेश से टीवी देखा जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये वाच्य परिवर्तन कर लिया है। कृतृवाच्य से भाववाच्य बनाना, भाववाच्य में ध्यान रखें अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता नहीं भौंकता है, दोनों कृतृवाच्य है, करता है कुत्ता, उसके अनुसार ही, अगर कुतिया होती तो कुतिया भौंकती है, उसके अनुसार क्रिया हो जाती है। अब यहां वाक्य परिवर्तन करते हैं, कुत्ते से भौंका जाता है, यह भाववाच्य बन गया। यहां कर्म नहीं है, भौंकना भी क्रिया है, जाता भी क्रिया है, कुत्ते से भौंका जाता है, से आगे इसका मतलब ये नहीं कर्म है, इसमें कर्मवाच्य है, इसमें ये देखो कर्म तो है ही नहीं, तो ये भाववाच्य है। और कुत्ते से भौंका नहीं जाता, ये नकारात्मक वाच्य भी बन गए, वाक्य भी बन गया है। अब इसका ही हम लिख लेते हैं, कुतिया से, कुतिया भौंकती है, कुतिया भौंकती है, तो कुतिया के अनुसार भौंकती की जगह भौंकती, भौंकता की जगह भौंकती शब्द लग गया। लेकिन अगर हम उसका भाववाच्य बनाएंगे तो वो पुल्लिंग ही आएगा, कुतिया से भौंका जाता है, वो भौंका जाती है नहीं आएगा, वो हमेशा पुल्लिंग एक वचन ही रहेगा। याद रखें, भाववाच्य में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में ही होती है, चाहे कर्ता वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग। अन्य उदाहरण देखिए, मैं अब नहीं खा सकता, मुझसे अब खाया नहीं जाता। पराक्रम बैठ नहीं सकता, पराक्रम से बैठा नहीं जाता। पीहू हंसती है, पीहू से हंसा जाता है। पीहू नहीं हंसती है, पीहू से हंसा नहीं जाता। तो हम नकारात्मक भी बना सकते हैं और सकारात्मक भी। भाव से, भाववाच्य से कृतृवाच्य बनाना, बालकों से लिखा नहीं जाता, ये भाववाच्य, इसका हम कृतृवाच्य बनाएंगे, बालक लिख नहीं सकते। अर्पित खेलता है, ये कृतृवाच्य है, इससे हम भाव बना लेते हैं, अर्पित से खेला जाता है, अर्पित खेलता है, अर्पित से खेला जाता है, ये ऊपर नीचे हो गया है, भाव से अर्पित से खेला जाता है, ये भाव है, और अर्पित खेलता है, ये कृतृवाच्य है। बूढ़े से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है, इसको बूढ़ा चल नहीं सकता, कृतृवाच्य। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, अतः भाववाच्य में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, तो कर्मवाच्य भाववाच्य में, भाववाच्य कर्मवाच्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है, क्योंकि हम उनको कर्म हटा के भाववाच्य में बनाएंगे तो फिर वो तो अकर्मक हो गया, फिर वो कर्मवाच्य हो ही नहीं सकता, और भाववाच्य में अगर हमने कर्म लगा दिया तो वो भाववाच्य है ही नहीं, तो इस तरीके से उनका आपस में परिवर्तन संभव नहीं है। अब इतना तो हमने देख लिया, वाच्य परिवर्तन करके देख लिया, सब कुछ पहचान लिया। अब कई बार वाक्य में कर्ता न हो तो फिर क्या करेंगे, कैसे पहचान करेंगे? तो देखो दोस्तों, वाक्य में अगर कर्ता न हो तो अपनी तरफ से कर्ता लगाकर वाक्य पहचान सकते हैं। देखिए, उस वाच्य को पहचान लेंगे, कोमल को दूध पिला दिया गया है, इसमें देखिए कर्ता कौन है, बताओ, कर्ता कोई नहीं,
दूध पिलाना ये क्रिया है, दूध कर्म हो गया, तो कोमल भी कर्ता नहीं है, तो कोमल तो यहां कर्ता कोई नहीं है, नहीं है, तो अपनी तरफ से हम इसमें कर्ता जोड़ेंगे, कोमल के पहले कुछ लगा लेंगे, माँ लगा, माँ का नाम, बहन, संजना, मोहन, कुछ भी जोड़ ले, तो हम क्या करते हैं संजना नाम जोड़ लेते हैं कोमल से पूर्व संजना। तो अब हम जोड़ते हैं, तो संजना ने कोमल को दूध पिला दिया गया है। अब इसको देखें वाक्य रचना सही है कि नहीं, तो हम देखेंगे संजना ने कोमल को दूध पिला दिया गया है, तो ये सही नहीं है वाक्य रचना, क्योंकि अगर गया नहीं होता, संजना ने कोमल को दूध पिला दिया है तो ये कृतवाच्य होता, दिया गया है तो इसका मतलब अपने हमें दूसरी कसरत करनी पड़ेगी। तो वाक्य रचना अगर सही नहीं आई तो फिर हम से के द्वारा या द्वारा लगाकर देखें। अब चलो दोबारा कसरत करते हैं, संजना के द्वारा कोमल को दूध पिला दिया गया है, यह तो लिखा ही हुआ है। अब हमने संजना कर्ता लगाया था अपनी तरफ से, के द्वारा और लगा दो, संजना के द्वारा कोमल को दूध पिला दिया गया है। अब यह रचना एकदम सही है वाक्य रचना, अतः यह कर्मवाच्य है। तो अगर पहचानने के लिए दे तो हम क्या करेंगे, अब अपने जो कर्ता लगाया था संजना के द्वारा इसको हटा लेते हैं, जो हमें दिया गया था हम क्या बताएंगे उनको कि यह कर्मवाच्य है। और फिर हमें कोई कहे कि इसका भी वाच्य परिवर्तन करो कि कोमल को दूध पिला दिया गया है, तो कैसे करेंगे अपन, हम करेंगे कि संजना ने कोमल को दूध पिला दिया गया है, इस गया को हटा देंगे तो यह वाक्य रचना सही हो जाएगी। ठीक है, चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। वाक्य आया सोहन को मारा, कर्ता कौन, कर्ता नहीं है, तो हमने कर्ता जोड़ लिया अपनी तरफ से मोहन ने, मोहन ने सोहन को मारा, यह वाक्य की रचना से दृष्टिकोण से सही होगा, मोहन ने सोहन को मारा, सही हो गया, तो यह कृतवा